गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ यूनिट्स देखे थे, ठीक है, और SI के हमने टाइप्स देखी थी। 7 आपके बेसिक होते हैं और 2 आपके सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। नेक्स्ट हम आज देखेंगे SI के ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। SI के ड्राइव्ड यूनिट्स SI के हैं ये वाले। इसमें है क्या कि आपके कल हमने जो सारे सिस्टम किए थे FPS, CGS, MKS, उसमें जो MKS सिस्टम है वो ऑलमोस्ट आपके सिमिलर जो MKS में आपके यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है किसके SI यूनिट्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद वाले में देखेंगे और आपको इसके बारे में और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये कैसे सेम है। SI ड्राइव्ड यूनिट में क्या है, आपका जो फर्स्ट वन है वो है आपका न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड इट इज कैलकुलेटेड एज इट कैन बी रिटन एज एन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो न्यूटन क्या हो गया, न्यूटन आपका किस चीज का यूनिट है, आपका फोर्स का। जब भी आपको कोई भी ऐसे फोर्स की वैल्यू दी गई हो 10 न्यूटन, ठीक है, तो ये वाला चीज़ अगर पीछे n लगा हुआ है तो दैट मीन्स ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का यूनिट है, ये फोर्स का यूनिट है, ठीक है। इसको आप न्यूटन भी लिख सकते हो और इसकी आपको ये वाली कन्वर्जन भी पता होनी चाहिए। ये वाला जो यूनिट है इसका, ये किसका, ये MKS का यूनिट है इसका, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको कि SI में और MKS में मोस्टली काफ़ी सारे जो हमारे यूनिट्स हैं वो सेम है, ठीक है। ऐसे आप इसको n भी लिख सकते हैं और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आपने याद करना है। सेकंड है आपका जूल, जूल इज डिनोटेड बाय J, ये इसका यूनिट है, ये भी इसका सिंबल है। जूल किसका यूनिट है, आपका वर्क का, ठीक है, वर्क का यूनिट है। और जूल को आपने अगर उसको कन्वर्जन करना है तो उसमें आप कैसे लिखोगे, न्यूटन मीटर, ये उसकी जूल की आपकी, मतलब ये वाली और ये वाली चीज़ दोनों सेम है। अगर न्यूटन मीटर लिखा हो या जे लिखा हो तो दोनों का मतलब क्या है, सेम मतलब होगा। और ये किस चीज़ का यूनिट होगा, वर्क का और एनर्जी का। इसमें जो थर्ड है वो है आपका वॉट, वॉट डिनोट करते हैं W से। और इसका दूसरा जो यूनिट है, दूसरा इसकी फॉर्म है वो है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, दैट मीन जूल क्या है, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये वाट हमको पता है किस चीज़ का यूनिट होता है, पावर का। पावर को किस में हम मेजर करते हैं, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कितने वो आपने कंज्यूम किया, कितनी कंजप्शन है आपकी, वो आप किस में निकालते हो, वाट में या किलो वाट में, ठीक है, किलो वाट, उसी का जो बड़ा यूनिट है वो क्या है, किलोवाट। तो इसको हमने W भी लिख सकते हैं और जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो जूल का आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर, और ये क्या बन गया, न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे आपके। नेक्स्ट है जो आपका वो है हर्ट्ज, हर्ट्ज किसका है, इसका फॉर्म है आपका HZ, ठीक है, और इसका दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है, पर सेकंड, ठीक है। हर्ट्ज हमको पता है किस चीज़ का यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। ये सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, SI यूनिट्स कर रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या है, हर्ट्ज हो गया, ये इसका सिंबल है HZ, जैसे आपको लिखा हो कि 10 HZ, सो दैट मीन्स ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है फ्रीक्वेंसी का, पीछे HZ क्या है, यूनिट हो गया, यहाँ HZ लिखा है, यहाँ पर सेकंड लिखा है, दोनों सेम चीज़ आएगी, ठीक है। तो ये आपके ड्राइव्ड यूनिट थे, 4 और हैं आगे। नेक्स्ट है आपका पास्कल, पास्कल को हम डिनोट करते हैं PA के साथ और इसको लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। पास्कल क्या है, पास्कल क्या है, प्रेशर का यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है, प्रेशर का।
तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। जैसे हमने पहले पहले आपके एमएस के इंजीनियरिंग मटेरियल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, तो फोर्स इज इक्वल टू बाय लोड ओवर एरिया, तो उसका क्या यूनिट बनता था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वही यूनिट आपका पास्कल का है, प्रेशर का है। नेक्स्ट है आपका पॉइज और एक है आपका स्ट्रोक। पॉइज और स्ट्रोक आपके किस चीज के यूनिट हैं? इट इज डिनोटेड बाय पी एंड इट इज डिनोटेड बाय एस टी। ये यूनिट हैं दोनों के दोनों आपके विस्कोसिटी के। ये आपने याद रखना है, पॉइज और स्ट्रोक किस चीज के यूनिट हैं? विस्कोसिटी के। पॉइज को डिनोट करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर में और स्ट्रोक को करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ठीक है, दोनों को आपने याद रखना है, एक तो पता होना चाहिए कि किस चीज का यूनिट है। पॉइज एंड स्ट्रोक आर द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए दोनों यूज करते हैं। पी सिंबल है इसका, इसका एस टी सिंबल है। इसको ग्राम पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और स्ट्रोक को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए हैं, एसआई ड्राइव्ड यूनिट हैं ये सारे के सारे। ये सारे आपके आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, जितने भी हम आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे या आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे उनमें यही सारे जो न्यूमेरिकल हैं और आपके जो यूनिट्स हैं वो आपके यूज होंगे। नेक्स्ट है आपका डायमेंशनल क्वांटिटीज। इसमें क्या है आपका, जितने भी हमने जो भी है सपोज कर लो आप फर्स्ट ले लेते हैं, जैसे हमने कल किया था लेंथ मास एंड टाइम, ये क्या थे आपके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, लेंथ मास एंड टाइम। तो किसी भी चीज को जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं किसी को भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। किसी भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, लेंथ मास एंड टाइम। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो एरिया का लिखना है हमने, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो एरिया का हमें क्या पता है क्या होता है, यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। अब मीटर क्या चीज़ है, अब ये था हमें पता है लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये मास है, ये टाइम है। ठीक है, तो मीटर किस चीज़ को मेजर कर रहा है, लेंथ को मेजर कर रहा है। तो यहाँ पर आपने पावर देखना है कि आपके यूनिट की पावर कितनी है, इसमें कितनी पावर है आपकी, 2। तो आपने क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूले में L की पावर 2 कर देनी है, M की पावर 0 और T की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर ना M की कोई वैल्यू है हमारे पास, ना T की कोई वैल्यू है, सिर्फ A की वैल्यू है, किसकी, लेंथ की, मीटर स्क्वेयर। सो ये क्या बन गया, एल स्केयर एल टू एम जीरो टी जीरो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का आप निकाल सकते हैं, सपोज करो आप एरिया हो गया, वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब क्या है, एम क्या है, लेंथ का यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, कितनी पावर है, 3 एल क्यूब एम जीरो टी जीरो। तो ये किसका बन गया आपका, वॉल्यूम का। ऐसे आप किसी भी क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और फोर्स का देख लेते हैं। अब फोर्स का आपके पास क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये किस चीज का यूनिट है, फोर्स का, फोर्स दैट मीन्स इज इक्वल टू एन, जो मैंने अभी आपको बताया था यही चीज थी ना, न्यूटन इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अगर आप इसका आप डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, एल एम एन टी। अब यहाँ पर देखते जाओ, के जी किस चीज़ का है, मास का, के जी किस चीज़ का है, मास का यूनिट है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 पावर है, तो यहाँ पर एम को पावर 1 दे देना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, के जी मीटर, ये मीटर है, ये किसका हो गया, लेंथ का, तो इसकी कितनी पावर है, 1 है यहाँ पर, अगर कुछ नहीं हो दैट मीन्स कि उसकी पावर कितनी है, 1 है। तो आप मीटर क्या, इसका भी आप इसका यहाँ पर क्या दे दोगे, 1 कर दोगे यहाँ पर भी। ठीक है, आगे क्या है, ये क्या है, सेकंड,
सेकंड का पावर कितना है, माइनस टू। जितना यहां पर पावर है उतना ही पावर आपने यहां पर कर देना है इसका। सेकंड किसका है, टाइम को डिनोट करता है, तो इसका पावर कितना हो गया, माइनस टू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो वो है एल वन एम वन टी माइनस टू। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला तैयार कर सकते हैं। वो कहाँ से होगा, आपको ये वाला फार्मूला अगर पता होगा तो। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कि जूल है जैसे न्यूटन मीटर, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, न्यूटन एंड मीटर। तो न्यूटन की जगह पर आप क्या लिखोगे, ये सारी चीज़ लिखो, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू मीटर। ठीक है, तो वहाँ से आप जूल का भी बना सकते हो, सेम डायमेंशनल फार्मूला। किसी भी क्वांटिटी का बना सकते हो, हर्ट्ज़ का बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी का बना सकते हो, ठीक है, प्रेशर का बना सकते हो, पास्कल का। तो किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं हम इस चीज़ से। तो ये बात होगी डायमेंशनल फार्मूले की। ये इसका आपका चार्ट दिया होगा आपकी बुक में एक, वहाँ से आप इसको एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या चीज है, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ, ठीक है, तो उसमें कोई भी चेंज ना आए, उसकी डायमेंशंस में कोई भी चेंज ना आए। सपोज करो मैंने ऐसे दोनों तरफ से यहाँ पर फोर्स लगा दी, ठीक है, तो क्या किया यहाँ पर, अब अगर तो बॉडी रिजिड नहीं होगी तो ये क्या डिफॉर्म हो जाएगी, बॉडी का ये आपका डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा, बॉडी कंप्रेस हो जाएगी, कंप्रेसिव लोड लग रहा है। ठीक है, अगर बॉडी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो दैट्स इज नोन एज रिजिड बॉडी। तो जब भी आपकी बॉडी के ऊपर जब आप एक्सटर्नल लोड लगाओ तो उसका कोई भी उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, बॉडी रिजिस्ट करे आपकी एक्सटर्नल लोड को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। नेक्स्ट आपका इसमें है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये आपने दोनों टर्म्स सुनी होगी, मास एंड वेट। ठीक है, आज इसका डिफरेंस हम करेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में मास और वेट होता क्या है एक्चुअल में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं मास क्या चीज है। मास की अगर बात करें तो मास इज अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, क्या चीज है, मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। वेयर इज वेट इज अ फोर्स विद विच अ बॉडी अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये क्या है, मैटर कंटेन्ड, किसी भी बॉडी के बीच में कितना मैटर है वो चीज क्या चीज है, मास है आपका। ठीक है, और वेट क्या है, वेट एक तरह की फोर्स है। ठीक है, फोर्स है क्या मतलब, फोर्स का मतलब क्या है, जिसके कारण आपकी बॉडी है जो वो अट्रैक्ट होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। तो अगर डिफरेंस लिखना हो आपने तो फर्स्ट डिफरेंस आपका ये बन जाता है कि दिस इज अ मैटर, दिस इज अ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, एंड वेट का लिखोगे दिस इज अ, इट इज अ फोर्स, दिस इज अ फोर्स। सेकंड आप लिख सकते हो इसमें, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इट कैन नॉट बी जीरो, कांट जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता आपका मास, लेकिन वेट इट कैन बी जीरो, ये आपका क्या है, जीरो हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या है कि मास का ये कभी भी जीरो वैल्यू इसकी कभी भी नहीं हो सकती, ये कभी भी प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो वेट है वो आपका डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हो। ठीक है, आप कौन से नॉर्थ पोल पर हो या साउथ पोल पर हो, ठीक है, आप अर्थ के ऊपर हो या किसी स्पेस में हो, ठीक है, या आप किसी और आपके सपोज करो मार्स पर हो या मून पर हो, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ग्रेविटी के ऊपर। जितनी वैल्यू ग्रेविटी होगी, जितनी आपकी वैल्यू जो भी ग्रेविटी की होगी, वही आपको डिफाइन करेगी वहाँ पर वेट को। लेकिन मास डजंट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी, आप कहीं भी चले जाओ ये वैल्यू सेम रहेगी, और इट कांट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता।